हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम वेक्टर्स कर रहे थे तो हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लिया। आई होप आप सब आगे चल चुके होंगे। अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम जानते हैं हमारे पास किसी भी चीज की क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और उसकी डेप्थ होती है। अगर मैं सही कहूं तो एक्स एक्सिस के लॉग, वाई एक्सिस के लॉग और एक होता है हमारे पास जेड एक्सिस के लॉग, यानी थ्री डायमेंशनली मुझे अगर किसी चीज को बताना है। जैसे मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड है, इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है और इसकी डेप्थ तो है ही नहीं, तो इसलिए आपको टू डायमेंशनल नजर आ रहा है। लेकिन हमारे पास कोई भी चीज है वो थ्री डायमेंशनल होती है। जैसे इस बोर्ड के आगे आपको मैं नजर आ रहा हूँ, तो जो पिक्चर नजर आ रही है वो आपको एक तरीके से थ्री डायमेंशनल नजर आ रही है। आपको ये पता है कि मैं बोर्ड के आगे हूँ ना कि बोर्ड मेरे आगे है, है ना? तो ये कैसे पता चला? ये हमारे डायमेंशन से पता चला। डायमेंशन कौन सा? जेड एक्सिस। तो हमें रिप्रेजेंटेशन की वेक्टर्स की नहीं, तीन वेक्टर्स सॉरी डायमेंशंस के लॉ करनी है। तो अगर मैं लर्न तरीके से बताऊं तो इसको मैं मान कर लेता हूं आई वेक्टर, जी वेक्टर और इसको ले लेता हूं के वेक्टर। यानी आई जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो किसी भी चीज की डिस्प्लेसमेंट या लेंथ को डिफाइन करेगा। अगर मैंने लिख दिया थ्री आई, इट मीन्स इट इज अबाउट 3 meter, 3 centimeter, 3 kilometer, so on, blah blah blah. समझ आए? अब करता हूं जे एक्सिस, मीन्स मैंने लिख दिया अगर 3j, इट मीन्स ये हाइट की बात कर रहा है, डेप्थ की बात कर रहा है, या सॉरी जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ये ऊपर या नीचे की बात कर रहा है। और अगर मैं जेड एक्सिस पे जाता हूं यानी कि, तो k क्या कर रहा है, मुझे एक फ्रंट भी दे रहा है। जैसे मेरा हाथ अभी आगे आ रहा है तो ये k एक्सिस के अलोंग है, हाथ मेरा पीछे जा रहा है तो ये भी क्या है, k एक्सिस के अलोंग है। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं इनको i j एंड k में, किसमें? i j एंड k, ठीक है। अब बाय चांस जैसे मैं कह दूं कि फोर्स इज अप्लाइड, अब फोर्स है अप्लाई की गई, अब फोर्स भाई तीनों डायरेक्शन में तो लगा सकते हैं। जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो वो फोर्स लगाता है आसपास के जो एनवायरनमेंट है, फ्रेट टूट जाते हैं, गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, तो वो जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी लग रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लग रहा है और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी लग रहा है। तो मैं उस फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ बाई चांस 2y + 3g + 4k, इन सब के ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन। यानी मेरे पास एक फोर्स है 2y + 3g + 4k, ठीक है। जब मैंने किसी एक बॉडी में फोर्स लगाया जिसकी मैग्नीट्यूड है 2y + 3g + 4k, 2y में समझ गए ना भाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जी वाई एक्सिस के लॉन्ग और के जेड एक्सिस के लॉन्ग, और इसने डिस्प्लेस किया। When a force is applied on a body, the displacement is i plus 3g plus 2k. ये सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? Then what will be the work done? तो work done मेरे पास क्या होता है? Work done होता है force into displacement. Force into displacement. अगर मैं इसको कहूँ F dot S और W is equal to F cross S, यहां पे वेक्टर्स में जो आज हम करने वाले हैं वो यही सब करने वाले हैं। मैं सीधा सा मतलब बता सकता हूं कि अगर मैं फोर्स की सीधा सा ले लेता 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 2, तो मेरा वर्क डन कितना आ जाता? 40 जूल, क्योंकि वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है? जूल। यहां भी अगर मैं लेता 20 × 2, आंसर कितना होता? 40 जूल। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में मुझे यही एक चीज थोड़ी सी यूनिक बनानी है। असल में इसको वेक्टर फॉर्म में अलग लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? दिस इज डॉट, दिस इज क्रॉस। नाम से पता चल रहा है ये डॉट है, क्या है? क्रॉस है।
एक डॉट है एक क्रॉस है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट तो दोनों ही दे रहे थे लेकिन एक डॉट में देगा और एक क्रॉस में देगा। तो आज हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो इसलिए क्योंकि वर्टन एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी जब भी मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस करूंगा, जब दोनों के बीच में समय इंटरवल होगा मैक्सिमम होगा। अब धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट को इसी मल्टीप्लाई को लिखता हूं मैं, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या मैं कहूं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जैसे ही डॉट हटेगा उसकी जगह क्या आएगा, कॉस थीटा। अगर यहां पर क्रॉस होता तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा। ये चीज आपने अब नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी होगी, कई बार ध्यान आया होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू आपने तो एफ एस पढ़ा होगा, अभी हम करेंगे एफ एस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि वर्क डन मैक्सिमम तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और डायरेक्शन सेम तो मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब दो बॉडी अपनी मैंने फोर्स लगाया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ तो वर्क डन तो अलग आएगा ना, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट होगा इस पे, अब कुछ नहीं करना। देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो भाई एंगल बन गया 90 डिग्री, साइन थीटा, साइन 90 और सॉरी कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन क्या आ गया 0। इस चीज का एग्जांपल आप देखते थे जब हम कहते थे कूली, कि भाई ये कूली जो है वो बेचारा देखो कितना भारी सामान उठाता है अपने सिर पे और चलता है, और साइंस उसको कहती है कि उसका जो वर्क डन है वो कितना है 0। नाइन्थ क्लास में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके थे लेकिन अभी इस चीज का एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों, क्योंकि जब उसने सामान उठाया तो उसके हाथ का पुश या पुल फोर्स दो ही डायरेक्शन में लग रहा है, या तो वो सामान को ऊपर उठा रहा है या वो सामान उसके सिर पे प्रेशर लग रहा है। तो फोर्स या तो इस डायरेक्शन में था, इधर इस डायरेक्शन में था, और वो चल ये तो नहीं रहा था ना, वो चल उड़ रहा था या नीचे जमीन में धंसता जा रहा था, तो चल ऐसे रहा था ना, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो ऐसे, उसका जो फोर्स था वो या तो ये था या ये था। तो कोई भी फोर्स हो उनके बीच में एंगल कितना बन गया था 90 डिग्री। और हम जानते हैं W is equal to, और उसका फोर्स कुछ हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो, cos 90 डिग्री means F S into 0, आंसर क्या हो गया 0। That's why work done is 0। तो work done क्या हो गया 0, समझ आया बेटा। अगर नहीं आया कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर देंगे। तो इस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से फायदा होता है वो चीजें जो हम बहुत पहले से समझते आ रहे थे, लेकिन कई बार ऐसे समझते थे कि चलो अभी नहीं पता, क्योंकि नाइन्थ क्लास में अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हुई थी, तो मैं कैसे समझा पाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट दो तरीके से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉस थीटा, तो cos theta की वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में cos theta जब 1 होता है तो इसका मतलब वो क्या है मैक्सिमम, और cos theta जब 0 होता है तो इसका मतलब क्या है मिनिमम। हम जानते हैं cos theta 1 किस पे होता है, 0 डिग्री पे। cos theta 0 पे कितना होता है, 0 किस पे होता है 90 डिग्री पे। यानी दो क्वांटिटीज के बीच में जब एंगल मैक्सिमम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम, और जब उन दोनों के बीच का एंगल मिनिमम होगा तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मैक्सिमम। तो उम्मीद करते हैं कि जो एफ एस है इनके बीच में कुछ एंगल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है एफ डॉट एस। मुझे यहां पर सीखनी थी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैथ वाली, भाई मैथ वाली तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं P
इस 2y3j3 4k को एक बार सिंपल मैथ के हिसाब से समझते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z, k की जगह मैंने z किया, j की जगह मैंने y प्लेस किया और y की जगह x प्लेस किया, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में किसके साथ, i का मतलब x प्लस 3y प्लस 2z, सही है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 2x को इसके साथ, फिर इस 2x को इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, ऐसे ही करते थे। तो मैं करता हूं, आंसर इज 2x का स्क्वायर प्लस 2 3 जा क्योंकि दोनों न्यूमेरल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6x y, फिर 2 को 2 2 जा 4x z प्लस, अब 3 को इस x के साथ, 3 को 3y के साथ और 3 को इसके साथ, तो 3 × 3 3xy, ठीक है, 3 × 3 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 × 2 6 3 6yz, अब इस z को इसके साथ फिर इसके साथ, ऐसे ही करते थे ना बेटा, ऐसे ही करते थे, मेरा रिजल्ट बहुत लंबा होता है ना। अब इसी चीज को सॉल्यूशन हम डॉट प्रोडक्ट में करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में चलो, अब मैंने एक्स और वाई को हम दो ही स्टेप में किया, तीसरे स्टेप को ले लेते ताकि आपको समझ आ जाए, बड़ा नहीं खींचते इसको, ठीक है, इन दो की मल्टीप्लाई की जो भी मेरा रिजल्ट आया 2x² प्लस 6xy प्लस ये जेड वाला प्रॉपर्टी खत्म करते हैं, ठीक है, तो मेरा आंसर आया 2x² प्लस 6xy प्लस 3y प्लस 9y², रिप्लेस वापस कर लेता हूं, x की जगह i, y की जगह j और z की जगह k, तो 2i², अब i² का मतलब i × i प्लस 6xy, x की जगह i और y की जगह j means i dot j plus 3 × x × y, x into y means i dot j plus 9 × y means 9j × j, j square y की जगह मैंने क्या लिखा j, अब देखो हम जानते हैं भाई यहां i था, means i की एक क्वांटिटी थी जो किसके साथ गई, i के साथ गई, यहां पर i की क्वांटिटी किसके साथ चली गई, j रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई i j और k, अब i मल्टीप्लाई बाय j, i मल्टीप्लाई बाय j, एंगल कितना है i और j के बीच में 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो cos theta के हिसाब से 90 डिग्री वाली वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0, यहां जाते हैं फिर से i डॉट j, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम ड्यू टू cos theta, तो cos theta इस बार क्या हो गया, दोनों का फिर से एंगल कितना बन गया, 0, सॉरी 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो गई, 0, तो सीधा सा आंसर आया 2i डॉट i, भाई i डॉट i दोनों की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम है और cos 0 कितना हो गया 1, तो सीधा सा आंसर आ गया 2 प्लस j डॉट j अगेन वही 1, तो कितना आंसर आया 11, शायद एक बार होश उड़ गए होंगे कि ये क्या हुआ, अभी हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था समझाने के लिए, अभी करते हैं इसको नॉर्मल मेथड से अपना क्वेश्चन, ठीक है, तो उससे पहले अगर मैं कहूं रूल थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, i मल्टीप्लाई i मींस जो मैग्नीट्यूड x एक्सिस के लॉन्ग है वही x एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, थीटा 0 डिग्री से लिए हुआ है ना, तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, ये है, ठीक है, अब आ जाते हैं जब i डॉट j, अब i और j के बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, तो i डॉट g, डॉट का मतलब मैंने क्या समझा था, जैसे डॉट हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, cos थीटा,
और cos 90 क्या हो गया जीरो, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा जीरो। j डॉट k जीरो, k डॉट i जीरो, ये वाले रूल्स आप लोग फेयर नॉट में कॉपी करेंगे डॉट प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के रूल हैं। जब i i के साथ मल्टीप्लाई करेगा j j के साथ, यानी वही डायरेक्शन दोनों की मैक्सिमम रहेगी तो 1, और अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि i मैंने कहा था x एक्सिस पे लॉन्ग है और j के स्केल लॉन्ग है y एक्सिस पे लॉन्ग है, तो i y x और y में कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो गया 0। तो ये रूल्स याद हो गए, नहीं हुए तो मार्क करके अपनी कॉपी में जो ऊपर जगह होती है प्लेन उस पे लिख लेंगे, ठीक है। डॉट बहुत बड़ा डिफरेंस है डॉट और क्रॉस, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट को, तो f डॉट s वर्क जो स्केलर क्वांटिटी है इसके में क्या हुआ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है भाई, 2y प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। डॉट में i प्लस 3j प्लस 2k, अब देखो 2 इंटू आई क्या हो गया 2 i डॉट i, पहली टर्म, दूसरी टर्म 2 इंटू i इंटू j, अब 2 3 का 6 तो हो गया लेकिन i डॉट j आ गया, i डॉट j आ गया तो आंसर क्या हो गया 0। 2 इंटू i डॉट k आ गया तो क्या हो गया 0। तो मैं 2 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 1, तो 2 i इंटू i कितना होगा 1, प्लस 3 का i के साथ मल्टीप्लाई करो मींस j डॉट i क्या हो जाएगा n 0। तो यानी मुझे जो i है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बस i के साथ, j है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है j के साथ, और k है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है k के साथ। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं 2i into i 2 plus 3j into 3j means 3 3 जा 9 और j into j कितना हो गया j into j कितना हो गया 1 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू 8 और k इंटू k कितना हो गया 1, तो आंसर क्या आया बेटा कितना बराबर आएगा 2 प्लस 9 प्लस 8 मींस 8 और 2 10 19 जूल, कितना बार कितना हुआ आपका 19 जूल, क्लियर है। नहीं आया फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2y मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, 2y into 3j करूंगा तो i dot j का क्या आंसर हो जाएगा i dot j क्या हो जाएगा 0, और अगर मैं i dot j, j dot k या k dot i जब भी ये क्वांटिटी या एक मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नीट्यूड से डॉट में लेके जाऊंगा तो आंसर क्या होगा 0। इसके कुछ पार्टीशंस हैं लेकिन मैं कल शाम तक वेट करूंगा, अगर कल शाम तक प्रॉब्लम आती